हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। IMT के गांवों में भी होगी आधुनिक शहरों जैसी सुविधा। सैदपुर में 1 करोड़ से पार्क निर्माण शुरू। महिलाओं में बच्चों के लिए झूले व ओपन जिम की भी तैयारी। मारुति कंपनी के खरखुदा IMT में प्लांट की शुरुआत के साथ ही गाँव में हाईटेक सुविधा की तैयारी शुरू होने लगी है, जिसके चलते फैसला लिया गया है कि सैदपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की राशि से पार्क विकसित कर यहां पर हाईटेक शहरों की तर्ज पर बच्चों के लिए झूले व महिलाओं के लिए यहां पर ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैदपुर गांव में पार्क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। गांव प्रधान धर्मेंद्र ने HSIDC से मांग की थी कि उनके गाँव की 1 एकड़ भूमि IMT के लिए अधिग्रहण में जा चुकी है। उनके गाँव के विकास के लिए आधुनिक पार्क बनाया जाए ताकि बच्चों व महिलाओं के साथ साथ हर ग्रामीण को पार्क में सैर करने का मौका मिल सके, जिसके चलते फैसला लिया गया है कि पार्क विकसित किया जाए। सैदपुर की तरह ही HSIDC उन सभी गांवों में भूमि अधिग्रहण के प्रतिशत के हिसाब से डेवलपमेंट के कार्य करेगी, जो सरकार की हिदायतों के मुताबिक किए जा रहे हैं। HSIDC के अनुसार खरखुदा की 10 गांवों की जमीन खरखुदा IMT के लिए अधिग्रहित की गई थी। उसमें परसेंटेज के हिसाब से सभी गाँव में HSIDC डेवलपमेंट के लिए कार्य भी कराएगी। इसके लिए गांव चयनित हो चुके हैं। कई गांवों में गलियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। सैदपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक पार्क बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। खरखुदा IMT में अलग से विदेशी तर्ज पर सभी जन सुविधाएं देने की प्लानिंग की जा रही है, चाहे इसमें रास्ते हों, पार्क हो या अन्य पब्लिक फैसिलिटी की कोई भी बात, सभी मिलेंगे। गाँव में जो पार्क बनने जा रहा है, मेरे गाँव की जमीन HSIDC ने जो रिक्वायरमेंट करी थी, जिसका मात्र हमारे गांव में विकास के कार्य में 2% HIDC ने सैदपुर गांव के विकास में लगाना है, तो उसके लिए मैंने अपने गांव की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है यही थी, भाई हमारे गांव में पार्क हो और लगभग सारी सुविधाएं गलियां पक्की होगी। लेकिन हमारा मेन मुख्य ये था, भाई आगे आने वाले समय में बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए घूमने फिरने के लिए जगह नहीं रही, तो हमने उनसे यही डिमांड रखी थी। मैंने कई बार इस बारे में चंडीगढ़ पंचकुला के मेरे बहुत चक्कर लगे और गांव वालों के सहयोग से अब ये जो है पार्क बनने जा रहा है हमारा, HIDC ने मंजूर कर दिया, उसका टेंडर भी हो लिया और हमारा कार्य भी शुरू हो चुका है। इसमें 2 एकड़ में हमारी जो सैदपुर थाना कला रोड पे वाटिका बनी हुई है, ग्राम जो गांव ने बना मैंने बनाई थी, उसके बिल्कुल सामने जस्ट 2 एकड़ में हमारा पार्क का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के लिए झूले वगैरह जो भी मतलब अच्छे डिजाइन से हमने बनाने के और अपनी देख रेख में उस काम को हम खुद करा रहे हैं कि भाई किसी भी मटेरियल में कोई चूक ना हो। और सभी गांव वालों से भी बोल रहे हैं, भाई किसी ने कुछ अगर फर्क लगा है तो भाई हमारे को सूचना दो कि काम को अच्छे तरीके ढंग से करा सकें। कितने रुपए की कॉस्ट से ये पार्क बनाया जाना है? ये करीबन 1 करोड़ के आसपास के पैसे इसमें लगाने हैं सरकार ने हमारे, इसमें 1 करोड़ 17 लाख रुपये हमारा बजट बनाया था 2% के हिसाब से, लेकिन उसमें से 1 करोड़ रुपये हमारा इसमें पास हुआ है, तो वो इसमें लगाने जा रही है HIDC। उन्होंने टेंडर किया अपने तरीके से ही, खुद अपने काम अपने उससे कराएंगे क्योंकि पंचायत नहीं करा रही, लेकिन देख रेख पंचायत की इसमें। प्रधान जी, इतना बड़ा 2 एकड़ का पार्क गांव में बनाया जा रहा है, क्या इसमें कसरत के लिए भी व्यायाम के लिए भी कोई फैसिलिटी रहेगी? हाँ जी, क्योंकि इसमें ना ट्रैक बनाई गई है 2 एकड़ के अंदर, जो 4 बाउंड्री वॉल हुई है, बाउंड्री वॉल के साथ साथ ट्रैक बनाई गई है और इसमें बैठने के लिए बीच में एक साइड भी बनाई गई है छतरीदार, कि उसमें मुड्ढे लग जाएँ साइड पे और बूढ़े बुजुर्ग उसमें बच्चे बैठ भी जाएँ, और बरसात वगैरह का जैसे भाई बारिश आ गई अचानक तो आदमी इसके अंदर बैठ कर अपना उसको बच सके बारिश से भी। क्या इसमें महिलाओं के लिए भी जिम की भी व्यवस्था रहेगी? हाँ, इसमें महिलाओं के और बच्चों के लिए जिम, छोटा एक ओपन जिम लगाया जा रहा है। ऐसे दूसरे तालाब में स्पेशल ओपन खाल बना दिया। मेरे गाँव से थाना कला से सैदपुर ने रास्ता जाता था कच्चा 33 फुट का, उसका रोड बनवा दिया। बड़ा गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, भाईचारे का भी सहयोग रहा और अपनी नेक और नीति ईमानदारी से काम किया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, बैरियट्रिक सर्जरी, केयर फॉर एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, लेप्रोस्कोपिक वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रिक्टॉमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास, रिविजनल बैरियट्रिक सर्जरी। कंसल्ट डॉक्टर प्रखर गुप्ता, बैरियट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।